हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी टुडे। आज जो बात करने वाले हैं हम एजी टुडे चैनल में, आपका उत्तराखंड पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। जो पेपर कोड है आपका 234 है और जो आपका पोस्ट कोड है सायक जिलसाज, तो ये उनके लिए लेके आया हूं मैं जो सायक जिलसाज का आपका तैयारी कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको सायक जिलसाज के पेपर की काफी डिमांड हो चुकी थी, तो उसके लिए मैं ये जल्द से जल्द आपके लिए सामने लेके आया हूं। और दूसरी चीज ये है, जितने भी उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस पेपर को देखे ताकि उनको एक रिव्यू मिल जाए कि किस तरीके से एग्जाम हो रहे हैं। और बाकी मैंने काफी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाई है। जैसा आप सभी को पता है, आपके बायोलॉजी के एमसीक्यूज, फिजिक्स के एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज, सारे एमसीक्यूज में डाल चुका हूं जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए किसी भी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पास करने के लिए आपके लिए बहुत एप्लीकेबल है। और आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जैसा कि आप YouTube चैनल में काफी देखते हैं कि 30 क्वेश्चन रट लीजिए आप, वो कर दोगे आप एग्जाम क्लियर कर दोगे, ये बार बार आएंगे। देखिए, आप भी जानते हैं कि 30 क्वेश्चन रटने से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क मस्ट करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जितने लोग लगे हुए हैं, तो आप देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। उन्होंने कोई 30 क्वेश्चन नहीं रटे जैसे आप लोग सोचते हो कि 30 क्वेश्चन रट लीजिए। हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व सिर्फ इसलिए करवा ताकि एक आपको रिव्यू मिल जाए। कुछ क्वेश्चन एकदम आ सकते हैं, वो मैं कहता हूं कि हाँ 30 में से कभी बाय चांस आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बट आप क्या करिए, अपना होप ना खोइए। सबसे पहली बात तो ये कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 30 रट रहे हैं, उन वीडियोस को आप निरंतर 10-20 बार देख रहे हैं कि वो 30 क्वेश्चन आ जाए, 30 क्वेश्चन आए। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि 30 क्वेश्चन आ जाए, आपको हार्ड वर्क जरूर करना पड़ेगा। और जैसा कि अब मैं पेपर सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसी पेपर से, बस ये एक तरीके से रिव्यू है आपके लिए। रिव्यू का मतलब है इससे 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, बट आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इन पेपरों के सॉल्यूशन के साथ साथ। ये सिर्फ आपके लिए क्या है, रिव्यू है। तो चलिए हम बात करते हैं और अपना पेपर स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। इतना मेरे को आपको समझाना था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ओके। तो रियलिटी में जिए आप, ठीक है, कहते हैं रियलिटी में जिए तो ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और एजी टुडे के साथ बने रहिए और आपको काफी आसानी हो जाएगी पेपर निकालने के लिए। एजी टुडे के साथ बने रहिए, आपको हर एक चीज बहुत इजीली समझ में आएगी। तो यहाँ पर लिखा है कि वे शब्दांश कौन से होते हैं जो क्या होते हैं, सबसे आगे लगते हैं किसी शब्द के, तो उन शब्द को हम हमेशा क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। आप सभी को पता होगा आहार शब्द का हमें क्या करना था आपका, ठीक है, आहार शब्द प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बने, जैसे कड़वाहट भी बनाया, गर्माहट भी बनाया, चिकनाहट भी बनाया, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ओके। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, जहां समस्त पद में जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। सही युग्म का चयन करना था, सही युग्म इसमें उपरोक्त थी कि आपका मनीषा 10वीं में पढ़ती है, ठीक है, निषेधवाचक उन्होंने एक डायरेक्शन दी है, ओके सही है। और मनीष, जो मनीषा है, तुम कानपुर में पढ़ो, ठीक है, आज्ञावाचक बिल्कुल सही है, ठीक है। कास वर्षा होती है, इच्छावाचक है, बिल्कुल सही है। कालीघटा का घमंड घटा में से कौन सा अलंकार है, ये आपका यमक अलंकार है, तो ध्यान दीजिए, ठीक है, ये वाले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे याद रख लीजिए, ठीक है। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता था, मेरा मित्र है, ओके। देखो, एक तो वो है जो गली में रहता है, दूसरा उसका मित्र है, तो दोनों को जोड़ा गया है, तो इसलिए क्या आपका मिश्रित वाक्य है, ओके। देशज शब्द कौन सा है, तो लोटा आपका देशज है, खाट भी आपका देशज है, झोला भी आपका देशज है, तो इसका आंसर था आपका हुकुम। क्यों, क्योंकि उसने देशज शब्द नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। वृद्धि संधि के उदाहरण क्या है, एकाएक भी वृद्धि संधि है, सदैव भी वृद्धि संधि है, आपका वनौषधि भी वृद्धि संधि है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर था। सिंह का जो पर्यायवाची नहीं है कौन सा नहीं है, तो भानु आपका पर्यायवाची नहीं है, मृगराज सिंह का वो है पर्यायवाची है, वनराज भी है और व्याघ्र भी है, ठीक है। बात करते हैं तामसिक का जो विलोम शब्द है, मतलब एंटोनिम्स कौन सा है इसका, तो आज सात्विक है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, आग चुराने मुहावरे का जो आपका अर्थ है वो क्या है आपका, कतराना या सामने आना, ओके। बात करते हैं आगे, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में, ठीक है, कर्म की आवश्यकता रहती है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके जीएस से रिलेटेड है, जो आपके ये सहायक जिल्द सास के जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसे आप यहां से पढ़ सकते हैं और आराम से क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है, आगे जीएस के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, और ये सारे क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और अब देखिए आप पोस्ट करके देख सकते हैं आप अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में, जीएस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है, आप सभी को पता है। उत्तराखंड के जो गृह मंत्री अभी जो है वो आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत है, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके एक तो होम मिनिस्ट्री में भी आते हैं, मतलब वही है गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री में आते हैं, आपके ऊर्जा मंत्रालय इन्हीं के पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। एक वीडियो बनाई गई है आप लोगों के लिए, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं, वहां पर सारी करंट अफेयर भी डाली गई है उत्तराखंड की जो 2017 की है, और वो भी देख सकते हैं कि उसमें काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं किसके लिए आपका, उत्तराखंड के लिए है, और जितने भी आप एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट चाहे सेंटर के एग्जाम दोगे, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दोगे, तो सारे उसमें क्या डले हुए हैं, आप वहां से क्या करते हैं एमसीक्यूज को देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहां है आपका, हरिद्वार में, और ये आपका जो बना था ये अप्रैल 2001 में
इसकी स्थापना हुई है। अलकनंदा और भगीरथी नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक कितने किलोमीटर नदी बहती है, तो ठीक है तो 95 किलोमीटर बहती है। और अगर टोटल अलकनंदा की बात की जाएगी तो अलकनंदा आपकी 205 के आसपास बहती है, और बात की जाएगी आपकी भगीरथी की, भगीरथी आपके 195 किलोमीटर के आसपास बहती है। ओके, तो पिंडारी ग्लेशियर क्या है? बागेश्वर में है, और डोडीताल क्या है? आपका उत्तरकाशी में। तो चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि प्रसिद्ध जो गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर है वो किस जनपद में है, तो गंगोत्री यमुनोत्री आपके उत्तरकाशी में है, तो ये आपको सभी को पता होगा। और नंदाकिनी अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में मिलती है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर को के लेखक कौन है? आपके फ्रैंक स्मिथ है। और लीसा, लीसा प्राप्त होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, चीड़ से आपका प्राप्त होता है। कभी कभी जो गढ़वाल में रहते होंगे लोग वो देखते होंगे चीड़ के पेड़ में एक आपका ऐसे कोन टाइप का पता होता है, तो वो लीसा के लिए ही प्राप्त करने के लिए लगा होता है। भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है किसमें नापा जाता है? रिक्टर स्केल में नापता है। कॉपर सिटी, कॉपर सिटी किसे कहते हैं? अल्मोड़ा को कहते हैं, कॉपर सिटी उत्तराखंड में। रणथंबोर जो आपका राष्ट्रीय पार्क है वो कहां है? आपका गुजरात में है। और काजीरंगा, काजीरंगा कहां है? काजीरंगा गेंडा के लिए बहुत फेमस है, पहली बात है। और ये असम में है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगर मैं बताना चाहूं ये आपका असम में है, एक चीज का ध्यान रखिए। और यूनेस्को ने, ठीक है, तो यूनेस्को पता ही होगा आपको जो विश्व धरोहर को रखता है, तो 1985 में इसको क्या करा है, आपका संरक्षण प्राप्त किया गया है। ठीक है, नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर, तो नेपानगर आपके क्या है? अखबारी कागज बनाने के लिए है। ठीक है, नेपानगर आपके अखबारी कागज बनाने के लिए, और ये आपका मध्य प्रदेश में ये आपका पड़ता है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि उत्तराखंड का जो राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। आप सभी को पता है कस्तूरी मृग उसका राज्य पशु है। ठीक है, और हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। और उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य नामित होते हैं? नामित का मतलब है कितने आपके मनोनीत किए जाते हैं, तो एक किए जाते हैं, आपको पता है राज्यपाल करता है। ओके, विधानसभा में। और अभी कौन है? अभी अगर एंग्लो इंडियन की बात करें तो एंग्लो इंडियन आपका जॉर्ज आइवन गैगरी मैन है। ओके, तो ध्यान रखिए, आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, जॉर्ज आइवन गैगरी मैन, ध्यान रखिए। आर्यभट्ट जो इंस्टीट्यूट है जिसको हम एरिज कहते हैं वो कहाँ है? आपका नैनीताल में है। वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपका देहरादून में है। आप सभी को पता होगा वाडिया इंस्टीट्यूट जो आपके देहरादून के होंगे। ओके, पेशावर कांड के जो नायक है वो कौन है? बीर चंद्र सिंह गढ़वाली है। और पेशावर कांड आपका 23 अप्रैल 1930 के ये हुआ था। ओके, क्योंकि अफगान में अफगान वालों पर गोली चलाने से मना कर दिया था बीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने, और बहुत फेमस ये थे। ठीक है, डायोग्राफी एक है कि आपकी प्लेट बनाने की विधि है। ओके, और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव है तो देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को स्टॉप करके। और देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे वही हैं। हाँ, ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि CCD स्टैंड फॉर, तो CCD का जो होता है वो आपका क्या है? चार्ज कपल डिवाइस होता है, इस चीज को भी याद रख लीजिएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर भी क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ GS के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल गए हैं, तो इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर। जनश्री स्कीम किसके लिए? तो बुनकरों के लिए जनश्री स्कीम है, तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। और ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी वैसे तो ये आपका साइक जिल सास का है, पर देख लीजिए, बूट नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ये एक तरीके से कहते हैं ना कि आपका जो बूट होता है, बूट बूट हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, नहीं लिखे या हाँ लिखे तो हमेशा क्या करोगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम मांगो। ठीक है, जो हर्सिल टाउन है कहाँ है? हर्सिल हमेशा उत्तरकाशी में है। आपका गंगोलीहाट, गंगोलीहाट कहाँ है? आपका पिथौरागढ़ में है गंगोलीहाट, तो ध्यान रखिए गंगोलीहाट आपका पिथौरागढ़ में, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जो गौचर हवाई अड्डा है किस जनपद में? तो गौचर हवाई अड्डा आपका चमोली में पड़ता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा। और गंगोत्री धाम है, जो गंगोत्री धाम राष्ट्रीय जो राज्य मार्ग है आपका वो 108 है। ठीक है, ये 58 वाला वही है जो हमेशा कहते हैं मेरठ से आपका बद्रीनाथ जाता कौन सा हाईवे, तो आपका 58 हाईवे, 108 तो आपको पता चल चुका है गंगोत्री का, और 109 आपका केदारनाथ का है। ओके, और चलिए इतना काफी आपके लिए। जो CAD है, कंप्यूटर भाषा में जो CAD है वो क्या? आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस पर भी आप क्या करोगे, थोड़ा फोकस करोगे। यहाँ पर लिखा गया है एशिया की जो सबसे बड़ी जो आपके कागज की जो इंडस्ट्री है वो कहाँ है? आपके लाल कुआ है, नालकोला आपका नैनीताल में पड़ता है, तो ध्यान दे, NT से मैंने नैनीताल लिख दिया है। NT से याद आया, आपके नायब तहसीलदार के भी जल्द से जल्द एग्जाम आने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिए, उनका पढ़ाई कीजिए। ओके, पटवारी के भी आने वाले हैं। ओके, निम्न में से आपकी कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका स्पीकर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि स्पीकर से आप आपके जैसे अगर सपोज के एयरफोन की बात करूँ तो आप गाने सुनते हैं, तो आपका क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो क्या है? एक आपका मॉनिटर है। ओके, और कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स से आपका कट एंड सिलेक्ट डाटा होता है। तो अगर आपको सारी कीज सीखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर कंप्यूटर MCQs में सारी प्लेलिस्ट की वो पड़ी हुई है, वहां शॉर्टकट कीज पड़ी है। ठीक है, सूर्य मंदिर स्थित आपका कोणार्क में है, ध्यान रखिए। और भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था महावीर का नाम। ओके, और ये आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, ये भी ध्यान रख लीजिए। और जो 23वें तीर्थकार थे, कभी ये 24वें 23वें पूछ लेता है, जो 24वें 23वें आपके तीर्थकार हैं तो 23वें आपके पार्षद महात हैं, ध्यान रखिएगा।
उत्तराखंड में अशोक शिलालेख कहाँ है? कालसी में है, और ये आपका तेरवां शिलालेख का, ध्यान रखिएगा। ओके, जहां पर टोंस नदी और यमुना नदी मिलती है, ध्यान रखिए। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा टोंस नदी और यमुना नदी कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है देहरादून में, एक जगह पड़ता है आपका कालसी। ओके, देहरादून में कालसी पड़ता है, कालसी में क्या है, टोंस नदी यमुना नदी मिलती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो जो आपका भारत का जो प्रथम गवर्नर है विलियम बेंटिंक है। ओके, और कूका आंदोलन किससे संबंधित? कूका आंदोलन संबंधित है गुरु राम सिंह दास से आपका ये संबंधित है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ओके, तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो आपका कब हुआ था? तो वर्नाकुलर आपका जो प्रेस एक्ट था वो 1878 में हुआ था। ओके, 1878 में हुआ था, और ये किसने किया था? तो आपका लिट्टन, आपको याद होगा लिट्टन आपके एक होते हैं, ठीक है, जो आपके कह सकते हैं गवर्नर थे, तो लिट्टन के द्वारा हुआ था, और ठीक है 1878 में। और जो लिट्टन का कार्यकाल था वो 1878 से 80 के बीच में इसका कार्यकाल था, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। संविधान सभा का जो आपका प्रथम सत्र था वो 1946 में चला है, जो उसकी सबसे कह सकते हैं आपका पहली बैठक थी। ओके, ध्यान रखिए, जो उसकी पहली बैठक थी तो आपकी 9 दिसंबर को थी, या आप सभी को बता हुआ 9 दिसंबर 1946 को। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, निम्न में से आपका केंद्र शासित नहीं है कौन सा? त्रिपुरा आपका केंद्र शासित नहीं है, दमन व दीप केंद्र शासित है, लक्षद्वीप भी। लक्षद्वीप की आपकी एकरावती आपने राजधानी सुनी होगी, तो यही लक्षद्वीप की है, बहुत बार पूछा चुका है। राष्ट्रपति जो भवन है का डिजाइन किसने बनाया था? लुटियंस ने बनाया था, एडविन लुटियंस ने बनाया था, ध्यान रखिए। और उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य आपके चुने जाते हैं? चुने मतलब चुनाव के द्वारा किए जाते हैं, 70 हैं, ठीक है आपके। उत्तराखंड में जो राजकीय प्रेस आपका लिथो प्रेस स्थित है, आपका रुड़की में स्थित है, ठीक है। लिथो प्रेस आपका रुड़की से स्थित है, रुड़की कहाँ पड़ता है? आपका हरिद्वार में पड़ता है, यहाँ देखिए ऑप्शन नहीं है, इसका उपरोक्त सभी इसका आंसर था, ठीक है। किस प्रकाश वर्ण की चाल आपका कांच में न्यूनतम होती है? तो बैंगनी की न्यूनतम होती है। ओके, ऑफसेट मुद्रण, देखिए ये वही वाला क्वेश्चन आ जाए, सहायक जिलसाज में कर रहे हैं जिसकी तैयारी, तो उसका सही एशियाई वो जो आंसर इसका, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंक आपका रेसिपेटिव, तो आगे हम बात करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ जीएस के बारे में आप बात करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। बाकी जिलसाज की जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको पढ़ सकते हैं। ओके, अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, मनेरी वाली जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ है? आपका भगीरथी में मनेरी वाली प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा। और पंतनगर हवाई अड्डा कहाँ है आपका? पंतनगर आपका उधम सिंह नगर में। और रियो ओलंपिक 2016 में, ठीक है, किस देश की महिला ने आपके पीवी सिंधु के विरुद्ध स्वर्ण पदक जीता? देखिए ऐसे क्वेश्चन में आने लगे हैं, तो आपका स्पेन ने जीता था। ओके, अब जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, और ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले, तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से चयन करना है। साइना नेहवाल क्या है? बैडमिंटन की है, बिल्कुल सही है। सानिया मिर्जा क्या है? आपके टेबल टेनिस की है, ठीक है। सानिया मिर्जा जो है वो आपकी गलत, टेबल टेनिस की नहीं है, टीटी की नहीं है, वो आपके लॉन्ग टेनिस की है, तो ध्यान रखिए यही आपका गलत था। और साक्षी मलिक आपकी कुश्ती की है, बिल्कुल सही है। और हीना सिंधु आपकी निशानेबाज है, बिल्कुल सही है। भारतीय क्रिकेट ने जिसने अपने अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक मैच में आपका सैकड़ा लगाया, तो कौन थे वो? आपके केएल राहुल थे, ठीक है। रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने फुटबॉल का गोल्ड मेडल जीता? तो आपके ब्राजील ने जीता है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ होगा? टोक्यो में होगा। ओके, और चलिए फिर आगे बात करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, ठीक है, आपका सब्जेक्टिव है, और ये भी आपका सब्जेक्टिव है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं सिर्फ जीएस के क्वेश्चनों पे ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पे डिस्कस करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि जो भी उसकी सब्जेक्ट की तैयारी करेगा, आप भी जानते हो, मैं उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ आंसर ही बता पाऊंगा। जिसमें मैं एक्स्ट्रा बता सकता हूं उसमें मैं आपको को आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा हो शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी वीडियो काफी लोगों को पसंद आ रही है, कमेंट जब उसमें आते हैं, तो इसीलिए मैं क्या करता हूं आपके सामने और भी बहुत सारे पेपर में लेके आता रहूंगा, पर आप कमेंट जरूर करिए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप शेयर कर सकते हैं ऐसे ही नॉलेज के लिए, एजी टुडे के साथ बनी रहिए। ओके, थैंक्स, थैंक यू।